है जूट्स आज फाइट कंपैरिजन है ब्लैक एडम और सुपरमैन के बीच में। क्या होगा जब इन दोनों ही मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में फाइट होगी तो कौन इस फाइट को जीत जाएगा, कौन इस फाइट का विनर होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो एंड तक वॉच करना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ब्लैक एडम डीसी का बहुत ही पावरफुल विलन से ब्लैक एडम ने बहुत से सुपर पावरफुल बींग्स को भी डिफीट किया है और ब्लैक एडम बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है। सुपरमैन जो अपने पावर्स और एबिलिटीज की वजह से जाना जाता है और सुपरमैन की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। सुपरमैन ने बहुत ही पावरफुल विलन्स को और सुपर हीरोज को भी फाइट में डिफीट किया है और सुपरमैन बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। हम इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज को एक्सप्लेन करेंगे जिससे हमें विनर तय करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि सुपरमैन के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। सुपर स्ट्रेंथ, सुपरमैन की स्ट्रेंथ सुपरमैन के नाम की तरह इतनी पावरफुल है। सुपरमैन ने डार्क साइड जैसे पावरफुल विलन्स को भी डिफीट किया था एंड स्टीफन वुल्फ को भी डिफीट किया था फाइट में, और सुपरमैन ने अकेले ही जस्टिस लीग की टीम को अकेले ही कवर कर लिया था। स्पीड के मामले में सुपरमैन को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। सुपरमैन बहुत ही फास्ट फ्लाई भी कर सकता है और सुपरमैन कुछ सेकंड में अर्थ के बाहर भी जा सकता है। ड्यूरेबिलिटी, स्टीफन वुल्फ ने सुपरमैन को बहुत ही पावरफुल अटैक करा था लेकिन सुपरमैन को कुछ खास असर नहीं हुआ था इस अटैक से, और सुपरमैन को बुलेट्स और बहुत ही पावरफुल अटैक्स का भी कुछ खास असर नहीं होता है, इसलिए सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही गुड है। स्टेमिना, सुपरमैन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में सर्वाइव कर सकता है और सुपरमैन फाइट में बिना थके बहुत ही टाइम तक फाइट कर सकता है और सुपरमैन का स्टेमिना बहुत ही हाई है। हीलिंग फैक्टर, सुपरमैन की हीलिंग पावर बहुत ही एडवांस है। सुपरमैन कई बार फाइट में जख्मी भी हुआ है लेकिन सुपरमैन की हीलिंग पावर से सुपरमैन बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को हील भी कर लेता है। आइस लेजर पावर, सुपरमैन की लेजर पावर बहुत ही डेंजरस है। सुपरमैन अपनी आइस से किसी को भी मक्खन की तरह काट सकता है और सुपरमैन की इस पावर से सुपरमैन बहुत ही पावरफुल हो जाता है। फाइटिंग स्किल्स, सुपरमैन बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। सुपरमैन ने बहुत ही पावरफुल विलन्स को और फाइट में डिफीट किया है और सुपरमैन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही गुड है। फाइटिंग एक्सपीरियंस, अब डूड सुपरमैन तो सुपरमैन ही है और इसने बहुत से बींग्स को भी फाइट में इसलिए डिफीट कराया है, इसकी फाइटिंग स्किल्स और इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही गुड है। तो ये थे सुपरमैन के कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो अब बात कर लेते हैं ब्लैक एडम की क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं और जानते हैं ब्लैक एडम के बारे में। सुपर स्ट्रेंथ, ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक एडम ने एक विलन को भी फाइट में डिफीट से कर दिया था और बिल्कुल ही बीच में चीर दिया था उसको, तो आपको अंदाजा लग गया होगा ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ लेवल कितनी ज्यादा है। स्पीड, ब्लैक एडम बहुत ही तेज फ्लाई कर सकता है और ब्लैक एडम फास्ट मूव कर सकता है, फास्ट अटैक भी कर सकता है और ब्लैक एडम की स्पीड बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही तेज है। स्टैमिना, ब्लैक एडम का स्टैमिना लेवल बहुत ही हाई है। ब्लैक एडम बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइटिंग कर सकता है और अपने एनिमी को बहुत ही वीकनेस बना सकता है और ब्लैक एडम का स्टैमिना लेवल बहुत ही हाई है। फाइटिंग स्किल्स, ब्लैक एडम बहुत ही गुड फाइटर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी का, और ब्लैक एडम की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही गुड है। ब्लैक एडम अपनी फाइटिंग स्किल्स से किसी को भी डिफीट करने का दम भी रखता है। हीलिंग पावर, ब्लैक एडम बहुत ही बार फाइट में जख्मी भी हुआ है और ब्लैक एडम अगर फाइट में डैमेज हो जाता है उसकी बॉडी, तो ब्लैक एडम अपने हीलिंग पावर से अपनी बॉडी को ठीक भी कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी, ब्लैक एडम बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी में सर्वाइव कर चुका है, तो ब्लैक एडम को छोटे छोटे अटैक्स का तो कुछ खास असर नहीं होगा और ब्लैक एडम की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही पावरफुल है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स, ब्लैक एडम बहुत ही अच्छा फाइटर है। ब्लैक एडम ने अपने सिर्फ फाइटिंग स्किल्स के चलते ही बहुत से पावरफुल विलन्स को भी डिफीट किया है फाइटिंग में, और ब्लैक एडम का फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक एडम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही पावरफुल है। तो ये हो गई इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज़। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों की वीकनेस के बारे में। सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, जिससे सुपरमैन वीक हो जाता है और क्रिप्टोनाइट का यूज़ करके बैटमैन ने सुपरमैन को फाइट में बहुत ही अच्छा डिफीट किया था। ब्लैक एडम की वीकनेस है इटर्नियम, जब एक इंटर गैंग के मेंबर ने ब्लैक एडम पर इटर्नियम से बनी हुई मिसाइल अटैक किया था तो ब्लैक एडम को पूरा एक दिन लगा था उसे रिकवर होने में। तो ये तीन दोनों ही कैरेक्टर्स की कुछ बेसिक पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस। तो अब बात करेंगे इन दोनों में फाइट होती है तो इस फाइट को कौन जीत जाएगा, कौन होगा इस फाइट का विनर। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे फाइटर हैं, ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इस फाइट का विनर तो एक ही होगा। इस फाइट का विनर है सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन के पास ब्लैक एडम से भी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ और पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। अगर सुपरमैन अपने एविल फॉर्म में आ जाता है तो सुपरमैन किसी की बजा सकता है, और सुपरमैन के पास गॉडली स्ट्रेंथ है, इसलिए इस फाइट का विनर है सुपरमैन। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना, और आप मुझे कमेंट करना कि इन दोनों में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।